नमस्कार, जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर, आज पॉलिटिकल में करंट टॉपिक लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर। लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर का पद कैसा है, प्रोटेम स्पीकर का काम क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर टॉपिक है, जाने क्या होता है प्रोटेम स्पीकर और इसकी शक्तियां, इस पद के लिए इन नामों की है चर्चा। 18वीं लोकसभा में कौन बनेंगे प्रोटेम स्पीकर, जिनके नाम की चर्चा सबसे आगे है। देखिए, जो प्रोटेम स्पीकर है, इस शब्द का अगर उत्पत्ति देखे, प्रोटेम स्पीकर शब्द को समझने की कोशिश करें, तो प्रोटेम शब्द लैटिन भाषा के शब्द प्रो टेम्पर का संक्षिप्त रूप है। तो इंग्लिश वर्ड जो है प्रोटेम, वो लैटिन भाषा के शब्द प्रो टेम्पोर का संक्षिप्त रूप है। तो लैटिन शब्द प्रो टेम्पोर से प्रोटेम शब्द निकला है। इसका अर्थ है कुछ समय के लिए। तो कुछ समय के लिए, प्रो टेम्पोर लैटिन शब्द का अर्थ है कुछ समय के लिए। जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं लोकसभा में, प्रोटेम स्पीकर लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, यानी कि प्रोटेम स्पीकर का पद है नियुक्ति का, और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति किनको प्रोटेम स्पीकर के पद पर नियुक्त करेंगे, इसके लिए दो तीन नाम की सिफारिश केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजी जाती है। जो परंपराएं हैं कि लोकसभा में जो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर होंगे, यानी कि सबसे अधिक बार जो लोकसभा के सदस्य के रूप में काम किए हैं, उनमें से दो तीन के नाम की सूची राष्ट्रपति के पास भेजी जाती है, और राष्ट्रपति उस सूची में से एक का नाम, जो सबसे सीनियर मोस्ट होते हैं, उनको प्रोटेम स्पीकर के पद पर नियुक्त कर देते हैं। प्रोटेम स्पीकर के पद पर नियुक्ति जिनकी होती है, राष्ट्रपति उनको प्रोटेम स्पीकर के पद की शपथ दिलाते हैं। तो देखिए, प्रोटेम स्पीकर के पद का शपथ होता है लोकसभा प्रोटेम स्पीकर, जबकि लोकसभा अध्यक्ष पद का शपथ नहीं होता है। और जिनकी नियुक्ति प्रोटेम स्पीकर के पद पर हो गई, राष्ट्रपति उनको नियुक्त कर देते हैं। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और इसकी नियुक्ति आमतौर पर तब तक के लिए होती है जब तक लोकसभा या राज्य की विधानसभा अपना अस्थाई अध्यक्ष नहीं चुन लेती। जो प्रोटेम स्पीकर है, आखिर उनका मुख्य कार्य क्या है? तो प्रोटेम स्पीकर का देखिए जो मुख्य कार्य है, उसको तीन पार्ट में बांट सकते हैं। तीन पार्ट में। पहला, लोकसभा के सदस्यों को सामूहिक रूप से शपथ दिलाना, ये पहला काम है।
जो नई लोकसभा गठित हुई है उस लोकसभा के सभी सदस्यों को सामूहिक रूप से शपथ दिलाना ये प्रोटेम स्पीकर का पहला काम। दूसरा काम है कि लोकसभा के यानी नई लोकसभा के पहले अधिवेशन के प्रथम दिन की बैठक की अध्यक्षता करना, और ये नए लोकसभा के की अध्यक्षता तब तक करेंगे जब तक कि नई लोकसभा अपना अध्यक्ष नहीं चुन लेता। और तीसरा, नई लोकसभा के अध्यक्ष पद के लिए इन्हीं के देख रेख में चुना होता है, प्रोटेम स्पीकर ही नई लोकसभा के अध्यक्ष में पीठासीन पदाधिकारी होते हैं, प्रेजाइडिंग ऑफिसर, इन्हीं की देखरेख में नई लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है और यही नई लोकसभा अध्यक्ष के विजयी होने की घोषणा करते हैं। ये तीन मुख्य काम है। प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाते हैं, ये देखिए, और शपथ ग्रहण का पूरा कार्यक्रम इन्हीं की देखरेख में होता है। ये पहला इनका काम हो गया। सदन में जब तक सांसद शपथ नहीं लेते हैं तब तक उनको सदन का हिस्सा नहीं माना जाता है। सबसे पहले सांसद को शपथ दिलाई जाती है। जब सांसदों की शपथ हो जाती है तो उसके बाद यह सभी लोकसभा स्पीकर का चुनाव करते हैं। तो ये दूसरा काम हो गया कि जब सांसदों की शपथ कंप्लीट हो जाती है तो लोकसभा अपने स्पीकर का चुनाव करते हैं। संसदीय परंपरा के मुताबिक राष्ट्रपति सदन में वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक को प्रोटेम स्पीकर के लिए चुनते हैं। यही व्यवस्था लोकसभा के अलावा विधानसभा के लिए होती है, जहां राज्यपाल नियुक्ति करते हैं। अभी तक सामान्यतः सदन के वरिष्ठतम सदस्य को ही यह जिम्मेवारी सौंपी जाती है। प्रोटेम स्पीकर सामान्य चुनाव के बाद संसद के निचले सदन की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हैं। देखिए, ये दूसरा काम हो गया प्रोटेम स्पीकर का कि प्रोटेम स्पीकर सामान्य चुनाव के बाद संसद के निचले सदन की यानी लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हैं। ये आपका दूसरा काम हो गया। और तीसरा, इसके अलावा बैठक में अध्यक्ष और उपसभापति का चुनाव होता है। यहाँ उपाध्यक्ष होना चाहिए, उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। यदि यह एक नया गठित सदन है, इस बार अब देखिए संभावना किनकी है प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त होने की। संतोष गंगवार को प्रोटेम स्पीकर बनाया जा सकता है। संतोष गंगवार 8वीं बार सांसद बने हैं और इस बार भी वह यूपी के बरेली संसदीय सीट से चुन करके आए हैं। इनके नाम की जोर शोर से चर्चा हो रही है। और दूसरा, इनके अलावे बीजेपी की मेनका गांधी के नाम की भी इस पद के लिए चर्चा जोरों पर है। वह भी 8 बार से सांसद है। वे उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर सीट से विजयी हुई है। मेनका पिछली सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री थी। दो नामों की चर्चा है, एक श्रीमती मेनका गांधी और दूसरा संतोष गंगवार। ये करंट पॉलिटी का ये स्पेशल टॉपिक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।